अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। दिस इज़ मुबशर अली, आपका कोच, आपका ट्रेनर, आपका मेंटोर। आज की ट्रेनिंग डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोलर DSC-46XX के बारे में है। वैसे तो जनरेटर कंट्रोलर्स मोस्टली जो मेन फंक्शनैलिटी होती है वो तकरीबन मिलती जुलती होती है। तमाम कंट्रोलर्स की जो फंक्शनैलिटी और जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन सेम होता है, डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट फीचर्स का फ़र्क होता है। आज की ट्रेनिंग का जो जो सब्जेक्ट है वो है DSC-4610, DSC-4620, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू, एप्लीकेशन कंट्रोल वायरिंग, प्रोटेक्शंस, कॉन्फ़िगरेशंस, ऑपरेशन, ट्रबल शूटिंग एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स किस तरीके से की जाती है, कौन सी सेटिंग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किस सेटिंग्स का रोल ज़्यादा है और कौन सी वो बुनियादी और छोटी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं और जिसका इम्पैक्ट या रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग, जो कि मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपके कैरियर के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो अपने अंदर वैल्यू ऐड करते जाएं, वैल्यू एडिशन से ही आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर आप जनरेटर की इंडस्ट्री के साथ आपका ताल्लुक है, आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या आपका इस फील्ड से रिलेशन है, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। ये स्किल्स हैं दोस्तों, इन स्किल्स को आप लर्न करके, आप अपना कर, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट समेट सकते हैं। और कैरियर बेसिकली होता वही है कि जिसमें आपके पास मैक्सिमम एक्सपर्टीज़ होती हैं, मैक्सिमम नॉलेज हो, मैक्सिमम एक्सपोजर हो, वही चीज़ आपके आगे फ्यूचर में काम आएगी। जनरेटर कंट्रोलर्स की डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत फेमस ब्रांड है, इसको DSC भी कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके कंट्रोलर्स इस्तेमाल होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया की तमाम मुल्कों में इसके कंट्रोलर्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये DSC की सीरीज़ है, मॉडल है 4610 2010। 10 और 20 में मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 और 20 में जो बुनियादी फ़र्क होता है, 10 जहाँ पर भी आएगा आपका वो जेनसेट का ऑटो स्टार्ट कंट्रोल मॉड्यूल होता है, और जहाँ पर 20 होगा वो आपका ATS AMF फंक्शनैलिटी उसके अंदर होती है। फॉर एग्जांपल 4610 है तो वो खाली जेनसेट के लिए कंट्रोलर होगा, वो सिर्फ जेनसेट को ऑपरेट करेगा, उसके अंदर जेनसेट के प्रोटेक्शन और फीचर्स होंगे। अगर आपका कंट्रोलर का मॉडल 4620 होगा तो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो ऑटो मेंस फेलियर की फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ जाएगी, ATS ऑपरेशन उसके अंदर आ जाएगा, 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर, 2 ब्रेकर्स को कंट्रोल करने की फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो ये याद रखिए, डीप सी की जितनी भी सीरीज़ हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, उसके एंड पे या 10 होगा या 20 होगा, तो 10 और 20 जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये 2 मॉडल आपके सामने हैं, 4620 और 4610, इन दोनों के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूँ ताकि ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सके। इस ट्रेनिंग को एंड तक देखिएगा, एंड तक देखने से क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो सारा शुरू से लेके एंड तक आपको भरपूर लर्निंग होगी। बीच में स्किप करने से आप, हो सकता है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बीच में स्किप कर जाएं, जो कि आपके आने वाले जो ट्रबल शूटिंग में आपको एक फ्रूटफुल हो सकती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, ऐसी ट्रेनिंग मिल सकती हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद है, तो फिर आपको आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन आल वाली ऑप्शन आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट ट्रेनिंग और अपडेट आएगी आपको फौरी तौर पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। DSC-4610 ऑटो स्टार्ट कंट्रोल मॉड्यूल एंड DSC-4620 ऑटो मेंस फेलियर कंट्रोल मॉड्यूल आर सुटेबल फॉर वाइड वैरायटी ऑफ द सिंगल जेनसेट एप्लीकेशन। ये इसके फीचर्स हैं। अगर की बेनिफिट में देखा जाए तो आपको अल्टीमेट साइज ऑफ फीचर ऑफ रेशियो है, आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर बिटवीन मेंस एंड जनरेटर्स है जो कि 4620 के अंदर अवेलेबल होगा, आर्स काउंटर है, आप कुछ डिफरेंट इनपुट और आउटपुट्स आपको इसके अंदर मिलेंगी, आप इसके साथ PC सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपके अंदर जो इसको पैरामीटर मिलेंगे मॉनिटरिंग के लिए, वो किलोवाट है, KVA एम्पेयर है, KVAR है और पावर फैक्टर है।
जनरेटर की लोड करंट आप कुछ कितना मोनिटर कर सकते हैं, फ्यूल और क्रैंक की आपको आउटपुट मिल सकती है, कंपेटिबल विद 600 वोल्टेज फेज टू फेज है, 4 कन्फिगरेबल डीसी आउटपुट्स आपको मिलेंगी और 3 कन्फिगरेबल एनालॉग डिजिटल इनपुट्स मिलेंगी। जो इसमें सबसे बड़ा फीचर है आपके इसके अंदर एनालॉग इनपुट्स की अवेलेबिलिटी भी है, आपका टेम्परेचर और ऑयल प्रेशर और इसका फ्यूल लेवल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं डिस्प्ले की सूरत में। मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप इसका जो ऑपरेशन मैनुअल है आप उसको डाउनलोड करके आप ये सारी चीज़ें इसमें से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट आपको ट्रेंड करना है इसके बारे में वो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये एक कंट्रोलर है जिसका लिंक बनता है आपके जेनसेट के साथ और क्या क्या कनेक्टिविटी होती है, आपका कोई भी जनरेटर आप जो का गैस जनरेटर हो या डीजल जनरेटर हो आपका कंट्रोलर के साथ डिफरेंट सेफ्टीज़ कनेक्ट होती हैं, आपकी डिफरेंट सेंसिंग कनेक्ट होती हैं, इसमें एनालॉग इनपुट्स डिजिटल इनपुट्स कनेक्ट होती हैं, आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो पैरामीटर्स हैं वो आपको डिस्प्ले करता है और उनकी तमाम प्रोटेक्शन और सेफ्टीज़ वो इलेक्ट्रिकल की हों या मैकेनिकल की हों वो इस कंट्रोलर के डोमेन में आती है। जो मेन कॉन्सेप्ट है किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल किसी भी पीएलसी और किसी भी जनरेटर कंट्रोलर का जो एक जेनसेट की प्रोटेक्शंस के हवाले से होता है। इस जेनसेट को आप ECM के थ्रू भी आप कैन बस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो कैन जो होता है वो कंट्रोल एरिया नेटवर्क कहलाता है, टू वायर सिस्टम होता है, टू वायर कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है जिसको J1939 प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि आपका इंजन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है टू वायर से और मल्टीपल पैरामीटर्स वो वहाँ से पिक कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैन कंट्रोल एरिया नेटवर्क। डिफरेंट ECM की फाइल जो इसके अंदर अवेलेबल होती हैं आप वो स्पेसिफिक ECM के बारे में आपको पता है, कॉमन्स है, कैटरपिलर है, MTU है, डेट्रॉयट है, वॉल्वो है, चाहे किसी भी मैन्युफैक्चरर का ECM, तमाम ECM की फाइल्स के अंदर अवेलेबल हैं। आपको वो सिर्फ सेलेक्ट करना होगी, चूज़ करना होगी, उसके अंदर राइट करेंगे तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा आपके उस ECM के साथ। इसकी ये कंट्रोल ड्राइंग है, कंट्रोल ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप देखें आपको सीटीज़ की इनपुट मिलती हैं, 3 सीटीज़ आप लगाएंगे और 3 फेज सेंसिंग है, ये बात कर रहा हूँ मैं 4610 की, जो कि जनरेटर ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल है। ये 3 फेज 4 वायर का सिस्टम है। कंप्रीहेंसिव पैरामीटर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर से और इसके अंदर MPU की सेंसिंग भी है। इसके अंदर आपको 4 आपको डिजिटल इनपुट्स मिल रही हैं जो कि कन्फिगरेबल इनपुट्स हैं और 3 आपको एनालॉग इनपुट्स मिल रही हैं जो कि टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर और फ्यूल लेवल के लिए आपको मिलेंगी। ऐसे ही आप इसके अंदर फ्यूल क्रैंक की आउटपुट है, नंबर 3 पे फ्यूल, नंबर 4 पे क्रैंक है आपका स्टार्टर मोटर के साथ, 1 नंबर और 2 नंबर पे मॉड्यूल की अपनी सप्लाई है, 1 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई है और 2 नंबर पे बैटरी पॉजिटिव है। डीप सी के तमाम कंट्रोलर्स के लिए 1 और 2 जो है वो स्पेसिफिक जो पावर सप्लाई के लिए मुख्तस की गई है। इसमें अगर आप देखें तो आपको तमाम जो फ्यूज़ लगाने हैं आपने प्रोटेक्शन फ्यूज़ वो आप सेंसिंग में लगाएंगे, जिसमें 3 फेज की सेंसिंग है उसके सीरीज़ में लगाएंगे, जो 2 नंबर पे बैटरी पॉजिटिव दी है वहाँ पर आप लगाएंगे फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें आपको USB पोर्ट भी मिलती है जो आपके डीप कंट्रोलर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए YPC सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैं इस एंड वाले सेशन पे इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ये वाली ड्राइंग आप देखेंगे तो ये DSC 4620 की है। इसके अंदर आप देखेंगे कि बाकी चीज़ें तो तकरीबन वही हैं, इसके अंदर मेन सेंसिंग की जो है वो ऐड हो चुकी हुई है, 25, 26, 27 और 29 जो कि कमर्शियल पावर की जो सप्लाई, इसको यूटिलिटी भी कहते हैं, उसके लिए वो सप्लाई है आपको वाया फ्यूज़ आप वो कनेक्ट करेंगे। और आपको आउटपुट हैं जो कि ब्रेकर कंट्रोल के लिए, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंट्रोल के लिए, जो कि ATS और AMF का कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर मैग्नेट कॉन्टैक्टर या वो ब्रेकर भी हो सकता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आया ATS एंड AM जो उसकी फंक्शनैलिटी है जो उसका मैकेनिज्म है उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको आउटपुट मिलेंगे, आप 2 आउटपुट कन्फिगर करेंगे, 1 उसकी जनरेटर के कॉन्टैक्टर के लिए और 1 आउटपुट आप कन्फिगर करेंगे वापडा के कॉन्टैक्टर के लिए या यूटिलिटी के कॉन्टैक्टर के लिए, कमर्शियल पावर के कॉन्टैक्टर के लिए। 32 जो पॉइंट है वो कॉमन सिटी का पॉइंट है, उसको ग्राउंड लाजमी करना है। अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंट्रोल की प्रोटेक्शन के लिए, अर्थिंग मेन रोल प्ले करती है।
अगर ये आप देखें, ये बैक साइड का व्यू है, ये टर्मिनल ब्लॉक्स हैं इसके। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टर्मिनल 21, 24 नज़र आ रहा है, 25 से 28 है आपको इसमें। ये सिटी के कनेक्शन है आपको स्टार्ट में, फिर आपको टर्मिनल 29 तो 32 है इसमें आपको इनपुट और आउटपुट्स हैं। ऐसे ही नीचे 1 से ये 9 तक है टर्मिनल, और इस तरीके से आपको यूएसबी की पोर्ट भी आप में इसको मिलेगी सॉफ्टवेयर के लिए। दैट इज कॉल्ड बैक व्यू, इज द बैक व्यू है कंट्रोलर की बैक साइड पर आप कनेक्शन करने के लिए। फ्रंट व्यू में देखेंगे डिस्क्रिप्शन आपकी, कुछ बटन्स का इंडिकेशन आपको ओवरव्यू है। इसमें एलसीडी स्क्रीन है, इसमें मेन्यू नेविगेशन का बटन है जो अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का है, जो एलईडी है आपको वो स्टॉप बटन की है। ग्रीन बटन जो है वो मैनुअल स्टार्ट के लिए है, और आपका जो वाइट बटन ऑटो लिखा हुआ है वो आपका ऑटो स्टार्ट के लिए बटन आपका यूज़ होता है। इससे आप ये बटन फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। ये आपकी जो एलसीडी स्क्रीन के ऊपर इस तरह के पैरामीटर आपको मिलेंगे। लाइन टू लाइन न्यूट्रल भी मिलते हैं, और लाइन टू लाइन भी मिलेंगे, और फेस टू न्यूट्रल भी आपको वोल्टेज डिस्प्ले करेगा, जिसमें कमर्शियल पावर के वोल्टेज भी आएंगे, यानी यूटिलिटी और मेंस पावर के भी, और जेनसेट के ऊपर भी वोल्टेज आएंगे आपके कंट्रोलर के हिसाब से। इंस्ट्रूमेंटेशन जो पेज है आपको इस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिलेंगी। डिफरेंट आइकॉन्स हैं जो कि स्टैंडर्ड आइकॉन्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोअल प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, सीटी करंट मेजरिंग, एसी वोल्टेज, और सेंसर की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपके सामने आ जाती है। फिर ऑयल फिल्टर, मेंटेनेंस अलार्म, उस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप मैनुअल इसका डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल आपको मैनुअल्स में मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। मैनुअल पढ़ना जो है वो आप शुरू कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेहतर समझना होता है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसका ऑपरेटिंग मैनुअल जो है उसको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन बार बार पढ़ने से, समझने से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, और बेहतर तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम जो उससे मुस्तफीद हो सकते हैं उस प्रोडक्ट से। ये मोड आइकॉन है जिसमें स्टॉप मोड है, ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है आपका, इसमें जो क्रैंक टाइमर का वो मोड आ जाता है, फिर आपके क्रैंकिंग वाला है, फिर कॉन्फ़िगरेशन वाला जो आइकन है आपका, यूएसबी का आपका आइकॉन है। तो ये आइकॉन से आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह की फंक्शनैलिटी है, उस तरह के आइकॉन जो हैं वो आपको मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड आइकॉन्स होते हैं, इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। ये कुछ आपको वार्निंग अलार्म मिलेंगे उसके आइकन हैं, इसमें आपको लो फ्यूल लेवल की इंडिकेशन आपको मिल सकती है, एनालॉग इनपुट जो है वो एक्टिवेट हो सकती है, डिजिटल इनपुट की एक्टिवेशन है, बैटरी अंडर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज है, ओवर फ्रिक्वेंसी है, ओवर करंट की इंडिकेशन है। दीज आर ऑल द वार्निंग अलार्म आइकन्स। इलेक्ट्रिकल ट्रिप अलार्म के आइकॉन्स हैं, इसमें आपको एलईडी इनपुट्स क्या है, ये एनालॉग इनपुट है आपको, लो फ्यूल, हाई फ्यूल, और ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके जो अलार्म है ये आपको इंडिकेट करेंगे इसकी एलसीडी के ऊपर। इस तरीके से ये शटडाउन के अलार्म है जिसमें फेल टू स्टार्ट हो सकता है, लो ऑयल प्रेशर, इंजन टेम्परेचर, ओवर स्पीड, अंडर स्पीड, और अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की इंडिकेशन आपको स्क्रीन पर मिल सकती है। इसमें आप इवेंट्स लॉग देख सकते हैं, आपकी जो हिस्ट्री है, जो लॉग्स मेंटेन हुए हैं आपके, किसी भी वजह से कोई वार्निंग है, कोई शटडाउन है, कोई अलार्म है, तो आप वो इस नेविगेशन बटन से आप अप डाउन करके जो अपनी स्क्रीन के ऊपर इवेंट लॉग का आइकॉन प्रेस करेंगे तो आप उसको ऊपर नीचे करने के बाद आप डिफरेंट आप इवेंट लॉग को मॉनिटर कर सकते हैं। सिंपल स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है, आप इसको मैनुअल स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी कर सकते हैं। देखें, अगर आपका सिंपल 4610 होगा तो वो या मैनुअल स्टार्ट होगा। मैनुअल स्टार्ट में आपने सिंपल ग्रीन बटन को दबाएंगे तो आपका स्टार्टिंग सीक्वेंस हो सकती है, या उसको रिमोट स्टार्ट एक्टिव मिलेगी तो वो रिमोट स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4620 है तो वो मेन्स फेलियर होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अगर ऑटो मोड पे है, या वो आप उसको मैनुअल स्टार्ट करके लोड भी शिफ्ट कर सकते हैं उसके ऊपर मैनुअली। मेंस अवेलेबल होने के बावजूद भी आप जेनसेट के ऊपर लोड शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आप मेंस फेलियर के ऊपर नहीं चलाना चाहते तो आप उसको रिमोट स्टार्ट के ऊपर भी स्टार्ट करवा सकते हैं, यानी 4620 जो है वो मुतबादल बन सकता है 4610 का, बट 4016 कैन नॉट बी अल्टरनेट ऑफ द 4620। फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंट्रोलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी सेटिंग्स जो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपने करनी है।
एक तो हार्ड वायर का कनेक्शन होता है, आपने कनेक्शन किए, उसकी वायरिंग की, आपने रिलेज लगाई, फ्यूज़ लगाया, वायरिंग करने के बाद, उसके बाद अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है तो आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल सकता। ये नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप जो अप डाउन वाले बटन है इसे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। प्रीवियस पैरामीटर के लिए ये बटन है, एडिट सेव के लिए ऑटो का बटन यूज़ कर सकते हैं, और स्टार्ट का बटन नेक्स्ट पैरामीटर के लिए है। एक्सेसिंग फ्रंट पैनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए आपको स्टॉप और ऑटो का बटन आपको टुगेदर प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन का आइकन आपके सामने आ जाएगा। तो दैट्स मीन यू आर इन कॉन्फ़िगरेशन मोड। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द नेविगेशन एरो अप डाउन for the change the select the parameter required page for configuration. After that you can use the button start green button for plus and zero, stop button for the negative, the previous and parameters to change the parameter current page to previous page. Agar aap usko change karna chahte hain us specific value ko, then auto ka button press karne se wo blink karega aur aap apni desired value ko प्लस और माइनस चेंज करने से वो वैल्यू सेव करेंगे ऑटो के बटन से। और ऐसे ही आप ऑटो के बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकल आएंगे। तो ये सिंपल मेथड है कॉन्फ़िगरेशन का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसका ऑपरेटर मैनुअल डाउनलोड करें, अपने पास रखेंगे तो वो आपको सारा चीज़ें वहाँ पर भी नज़र आ जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन के जो चार्ट है ये आपको ऑपरेशन मैनुअल मिल जाएगा, या पैरामीटर नंबर आपके सामने है जो 101 से स्टार्ट होता है और आगे उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इनपुट्स की सेटिंग है, इनपुट सोर्स प्लेटी है, एक्शन है, अलार्मिंग है, आपने क्या चीज़ चेंज करनी है। आप सोर्स लिस्ट में से सोर्स चूज़ करेंगे, जैसे अगर सोर्स आपका रिमोट स्टार्ट है, वाटर टेम्परेचर है, ऑयल प्रेशर है, तो सोर्स की एक लिस्ट होगी उसके अंदर आपके पास मैनुअल में, ठीक है। उनमें से जो भी आपने इनपुट चाहिए आप सोर्स में से वो नंबर सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 301 डिजिटल इनपुट सेट किया रिमोट स्टार्ट के लिए, और रिमोट स्टार्ट सोर्स लिस्ट में नंबर है 32, तो आप 301 पैरामीटर को 32 पे सेलेक्ट करके ऑटो का बटन दबा के सेव कर देंगे तो वो आपकी इनपुट सेव हो जाएगी, ठीक है। आगे पोलैरिटी है, आपने उसको ओपन टू क्लोज रखना है या क्लोज टू ओपन रखना है, वो आपकी ऑप्शन है। आप जीरो पोलैरिटी पर रखना है या वन पर रखेंगे। तो ये उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बड़े डिटेल से समझाई गई है ये आपके मैनुअल में। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप ये अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन, अपनी कन्फ्यूजन वहाँ पर लिख के आपको आप पूछ सकते हैं, आपको उसका तसली बख्श जवाब भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। डिफरेंट टाइमर्स हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। जनरेटर की सेटिंग्स है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शट डाउन वैल्यूज़ हैं, ओवर फ्रीक्वेंसी, अंडर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यूज ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारी पैरामीटर्स आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। कमीशनिंग करने के लिए, आपको कमीशनिंग करने के लिए सबसे पहले आपकी प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन, तमाम फ्यूज़ लगे होने चाहिए, बैटरी की सप्लाई जो है उसकी पोलैरिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसकी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कंट्रोलर की अपनी अर्थिंग होनी चाहिए, सीटी की अर्थिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने कमीशनिंग से पहले देखनी है, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें और इसको आप लोड पर डाल के आप इसको चला सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट आता है उसमें, जैसे ऑयल प्रेशर का, वाटर टेम्परेचर का, तो वो डिपेंड करेगा कि वो फॉल्ट किसके साथ लिंक है। वो आपका सेंसर भी फॉल्टी हो सकता है, वो आपका कोई और फॉल्ट भी होता है। आपको इन फॉल्ट्स के हवाले से दूसरी वीडियोस भी हैं जिसमें आपको कंप्लीट जनरेटर की ट्रबल शूटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, वहाँ जाकर इसके बारे में लर्निंग कर सकते हैं। तो ये कमीशनिंग के फीचर है, आप इसको ऑटो मैनुअल दोनों ऑप्शन में चला सकते हैं। आपके ऑटो के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आपका डीसी 4610 है तो आपको रिमोट स्टार्ट देनी होगी, अगर आपका 4620 है तो वो कमर्शियल फेलियर के ऊपर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग आपको आनी चाहिए, एक अच्छा ट्रबल शूटर बनने के लिए आपको ग्रॉस रूट लेवल का नॉलेज होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। आपको ना सिर्फ कंट्रोलर मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए बल्कि आपको जनरेटर्स के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अल्टरनेटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंजन्स की सेफ्टीज और प्रोटेक्शंस के बारे में और उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारी वीडियोज़ कैरियर 360 के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप ये लर्निंग वहाँ से जाकर कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं। डीपसी का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर है, डीपसी की साइट से अवेलेबल है। सिंपल यूएसबी केबल चाहिए आपको और केबल से आप कनेक्ट करके आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन इससे कर सकते हैं।
मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ आपको, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने किस तरह करनी है। ये सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन आती है, अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में लेकर चलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इससे आपको, अगर तो आप समझते हैं कि आपकी कुछ लर्निंग हो रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि आपके काम आती है, तो फिर आपका सब्सक्राइब करना बनता है इसको, ताकि आपको टाइम पर आपको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट ट्रेनिंग है, वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में लेकर चलूं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने अगर आता है, तो ये डीपसी का सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम कंट्रोलर्स के लिए है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद, अगर आप अभी हम डीपसी के 6 की सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, 4620, तो आप यहाँ से जाएंगे, अगर तो मॉड्यूल कनेक्ट होगा तो आप सिंपली यहाँ से रीड करेंगे उसको, तो रीड करने के बाद आपकी वो फाइल आप उस तक पहुँच जाएंगे। अभी आप जाएंगे DSC 4620, मैं आता हूँ 4620 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास 4620 का तो गाइस, ये आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी, जिसमें आप सबसे पहले मॉड्यूल्स की ऑप्शन है, इसमें आप ये वाले फीचर्स हैं, ये लैम्प टेस्ट है, ये प्रोडक्टिव सेव स्टार्ट मोड है, पावर सेव मोड इनेबल करना है, आपकी एक्स्ट्रा बैटरी कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से आपने अनचेक और चेक करके जो रिक्वायर्ड पैरामीटर आपने डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ से आप चेक करेंगे, जो चेक लगा होगा सिर्फ वही पैरामीटर LCD के ऊपर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज दूसरा जो अनचेक पैरामीटर होगा वो आपको स्क्रीन पे मयसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप एप्लीकेशन में आगे, यहाँ पर आप इंजन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कन्वेंशनल इंजन है, मतलब नॉन ECU इंजन, आप अगर ECU भी है, अगर आप ECU के साथ कनेक्ट नहीं करना तो आप वो कन्वेंशनल सेलेक्ट करेंगे। कन्वेंशनल गैस इंजन में, अगर गैस इंजन आपने कनेक्ट करना है तो आप गैस इंजन भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गैस इंजन में कुछ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, कन्वेंशनल इंजन में आप इसके कन्वेंशनल इंजन पे जा सकते हैं। इसमें आपको वेरिएंट मिलेगा, कैन वाली ऑप्शन भी मिल सकती है, और आपको इसमें MPU वाली ऑप्शन भी मिलेगी, जो दोनों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपके पास होगी आप वही इस्तेमाल कर सकेंगे, जो इन कंट्रोलर में दोनों ऑप्शन होती हैं। अभी इसमें सिर्फ आपकी MPU वाली ऑप्शन, तो आप उसको MPU वाली ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर कैन वाली ऑप्शन में आप जाएंगे, अगर मैं इसी को देखूं तो आपके पास 4620 दिस इज द नो, और मैं ये आपके पास मॉड्यूल ऑप्शंस, कन्वेंशनल इंजन और ये गैस इंजन की ऑप्शन है, इसमें आपके पास ये MPU की ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी इनपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल प्रेशर की आपकी एनालॉग इनपुट है, यहाँ पर आप इसका सेंसर चूज़ कर सकते हैं, जो सेंसर आपने चूज़ करना है, मौलिक तौर पर आपका वीडियो 10-12 है तो वो चूज़ करेंगे। अगर कोई ऐसा सेंसर है जो आपको पता नहीं है कौन सा सेंसर लगा हुआ है, तो आप उसको यूज़र डिफाइंड में जाकर उसकी ओहमक वैल्यू को चेंज करके, उसकी मेजरमेंट करने के बाद आप यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज करने से उस सेंसर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास कोई ऐसा सेंसर है जिसका आपको पता नहीं है, वो वीडियो का सेंसर नहीं है, मर्फी का नहीं है, डेटकॉन का नहीं है, तो वो कोई ऐसा सेंसर जिसका पता नहीं है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करके रेजिस्टेंस एम्पीयर मीटर से, मल्टीमीटर से, और उसको उस बार के ऊपर स्पेसिफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, इस कर्व को उसी रेजिस्टेंस, यानी 112 ओम पे कितनी ओम हो सकती है और उसके ऊपर कितना PSI पे हो सकती है, तो यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे करके ये कर्व बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर कूलेंट टेम्परेचर का सेंसर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, PT 100 है, मर्फी है, डेटकॉम है, लो है, ये आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट्स में आपको आएंगे तो A, B, C और D चार इनपुट मिलती हैं, रिमोट स्टार्ट ऑन लोड की इनपुट है। ठीक है, ये सारी इनपुट्स आपको मिलती हैं, ये ट्रांसफ़र आपको जनरेटर बाडा पे ट्रांसफ़र और जनरेटर पे ट्रांसफ़र करने की ऑप्शन भी है, ऑयल प्रेशर स्विच है, रिमोट स्टार्ट ऑफ लोड ऑन लोड, ये सारी इनपुट्स हैं, जो इनपुट आप चूज़ करेंगे वो आप सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद ओपन ड्यूक्ट या क्लोज ड्यूक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप उसको चूज़ करेंगे। नीचे एमरजेंसी स्टॉप है, अलार्म रीसेट की इनपुट है, आप अपनी मर्जी से इनपुट चूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिजिटल आउटपुट्स हैं,
आप क्लोज जेन आउटपुट, क्लोज मेन आउटपुट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वार्मिंग है और इस तरह के आप चार आउटपुट आपके पास हैं जो कन्फिगरेबल हैं। फिर टाइमर वाला फीचर है, टाइमर्स आप यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर्स की ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें 3-फेज़ 4-वायर जनरेटर का पोल चेक कर सकते हैं, आप इसको ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जनरेटर वोल्टेज, अंडर ओवर वोल्टेज की सेटिंग, फ्रिक्वेंसी की सेटिंग, करंट की आप सेटिंग, सिटी की वैल्यू आप यहाँ से डालेंगे, जितनी सिटी है आपकी वो सिटी चूज़ करेंगे। सिटी की लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप जेनसेट के और लोड के ऊपर दोनों पे सिटीज लगा सकते हैं जो आपके पास आप, अगर आप लोड पे लगाएंगे तो दोनों सेक्शन का लोड आपको मिलेगा, जब वापडा पे होगा तो भी वो सिटीज़ काम करेंगे, जब जनरेटर पर होगा तो भी वो सिटीज़ काम करेंगे, लेकिन अगर वो जेनसेट की लोकेशन पर होगी तो वो सिर्फ जेनसेट की लोड आपको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर करंट की प्रोटेक्शन है आपका, जहाँ पर जनरेटर की रेटिंग आप दे सकते हैं 200 किलोवाट, आपका 500 किलोवाट, जो भी आपकी जनरेटर की रेटिंग है वो आप डाल देंगे। मेंस पैरामीटर्स में अगर आप जाएंगे तो मेंस ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये वो ऑप्शन, इसको आप मेंस फेलियर डिटेक्शन नेबल या डिसेबल कर सकते हैं, यानी इसको अनचेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा द फेलियर टू द मेन सप्लाई। अगर मेन सप्लाई फेल होती है तो ये स्टार्ट नहीं होगा, अगर ये अनचेक होगा, चेक होगा तो ये मेन फेलियर के ऊपर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। इस तरह ये मेन अलार्म है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी की सेटिंग आप कर सकते हैं। फिर आप इंजन के पैरामीटर में आप जाएँ तो इंजन की प्रोटेक्शन है आपके साथ। फिर आप इंजन ऑप्शन में आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप स्टार्ट अटैम्प्ट अप डाउन कर सकते हैं। अगर गैस इंजन है तो वहाँ पर आप चोक का, गैस ऑन डिले है, इग्निशन ऑफ डिले, ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप गैस इंजन पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रैंक डिस्कनेक्ट, यहाँ पर ये सेटिंग क्रैंक डिस्कनेक्ट ऑन ऑयल प्रेशर अनचेक ही रहने दें और चेक ऑयल प्रेशर प्रियर टू स्टार्टिंग, इसको भी आप अनचेक कर देंगे तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रबल जो है वो उससे बच जाएंगे आप। नॉर्मल तौर पर ये चेक लगा होता है, इसका मतलब ये होगा कि चलने से पहले कंट्रोलर ऑयल प्रेशर चेक करेगा, अगर होगा तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये समटाइम्स सेंसर माल फंक्शन करते हैं और ये इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये बेहतर है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तमाम सेटिंग करने के बाद सिंपली आप राइट टू मॉड्यूल जब आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये मॉड्यूल में फाइल आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो गाइस ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, डिज़ाइनिंग और जो है इसकी जो ऑपरेशन है और कमीशनिंग जो DAC 4600X के बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका आपकी क्वेरी हो या आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जो आप मज़ीद समझना चाहते हैं इस कंट्रोलर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा और आपकी जो क्वेरी है उसको भरपूर तरीके से आपको जवाब या रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।